स्टूडेंट्स, आई एम नम्रता कौशल फ्रॉम लोकमान तिलक स्कूल. हियर आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 2, सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, लेट्स स्टार्ट. सिंगुलर 1, प्लूरल मोर देन 1. व्हेन वी टॉक अबाउट वन थिंग, प्लेस और पर्सन, इट इज सेड टू बी इन सिंगुलर एंड नंबर. जब हम किसी एक पर्सन, एनिमल, थिंग के बारे में बात करते हैं तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन थिंग, प्लेस और पर्सन, इट इज सेड टू बी प्लूरल इन नंबर. और जब हम एक से ज़्यादा पर्सन, एनिमल, थिंग के बारे में बात करते हैं तो उसे हम प्लूरल कहते हैं. गॉट इट? आगे देखिए. We generally make plurals by adding s when the number of same kind of person or thing is more than one. We add s to it. आम तौर पर हम s को add करके plural बनाते हैं जब एक ही तरह के person या thing की संख्या एक से ज़्यादा होती है. We add s to most of the noun to show plural form. Here's the example. Pen, 1. Pens, more than 1. Book, 1 book. Books, many books. Table, 1 table. Tables, many tables. Girl, 1 girl. Girls, many girls. Okay? Next. Usually nouns ending in O, X, SH, CH and SS change from singular to plural by adding ES. वो nouns जिसके end में O, X, SH, CH या SS होता है वहाँ हम ES add करते हैं उसे plural बनाने के लिए. ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल. बॉक्स, बॉक्सेस, ई एस लगा हुआ है. बेंच, बेंचेस. मैंगो, मैंगोज. फॉक्स, फॉक्सेस. टोमेटो, टोमेटोज. ओके, नेक्स्ट. सम नाउन्स एंडिंग विथ एफ और एफ ई change into VES when they become plurals, and some nouns ending with consonant Y change into IES when they become plurals. Meaning, क्या मतलब है इसका? F या FE से end होने वाले noun में हम VES add करते हैं उसे plural बनाने के लिए, और Y के साथ एंड होने वाले नाउन में हम IES ऐड करते हैं उसे प्लूरल बनाने के लिए. ओके, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है. लेडी, लेडीज. लेडी के एंड में देखिए Y है, वहाँ पर उसका प्लूरल क्या है? लेडीज, LADIES, IES ऐड है. बेबी, बेबीज. लीफ, लीफ के एंड में देखिए क्या है? एफ है, तो वहाँ हमने वी ई एस ऐड किया है लीव्स में. नाइफ, नाइव्स. ओके, हियर आर सम मोर प्लूरल्स. एक्सेप्शन इन विच वर्ड चेंज डिफरेंटली. मीनिंग, ऐसे प्लूरल जिसमें शब्द अलग अलग बदल जाते हैं. देखिए, माउस, माइस. फुट, फीट. मैन, मेन. चाइल्ड, चिल्ड्रेन. वुमेन, वुमेन. ओके, सम नाउन्स हैव स्पेशल प्लूरल. दे आर द सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. सम ऑफ देम आर फिश, फिश. हेयर, हेयर. शिप, शीप. ओके, क्या मतलब है इसका? सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म
इन सिंगुलर एंड प्लूरल. कुछ नाउन्स में सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं. इसमें आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, फिश फिश सेम है, हेयर हेयर सेम, शीप शीप सेम. ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज करेंगे. चेंज द गिवन सिंगुलर नाउन्स इनटू देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस. इसमें हमें सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है बाय एडिंग एस. एस ऐड करके हमें चेंज करना है इसे. ओके, चलिए फिल करिए. काउ, काउस, सी ओ डब्ल्यू एस, काउस. सेकेंड, बर्ड, बर्ड्स, बी आई आर डी एस, बर्ड्स. थर्ड, टैप, टैप्स, टी ए पी एस, टैप्स. फोर्थ, लेग, लेग्स, एल ई जी एस, लेग्स. फिफ्थ, टो, आंसर इज टोज, टी ओ ई एस. सिक्स, एनिमल, आंसर इज एनिमल्स, ए एन आई एम ए एल एस, एनिमल्स. सेवेंथ, ईयर, आंसर इज ईयर्स, ई ए आर एस, ईयर्स. एट, फिंगर, आंसर इज फिंगर्स, एफ आई एन जी ई आर एस. के नाइन्थ, हार्ट, आंसर इज हार्ट्स, एच यू टी एस, हार्ट्स. टेन, डॉग, आंसर इज डॉग्स, डी ओ जी एस, डॉग्स. ओके, राइट इन क्लीन हैंड राइटिंग. बी, चेंज द गिवन सिंगुलर नाउन्स इनटू देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ईएस. इसमें हमें सिंगुलर नाउन को प्लूरल्स में चेंज करना है बाय एडिंग ईएस, ईएस ऐड करके. ओके, फर्स्ट वन इज पोटैटो, आंसर इज पोटैटोज, पी ओ टी ए टी ओ ई एस, पोटैटोज. सेकेंड, गैस, आंसर इज गैसेस, जी ए एस ई एस, गैसेस. थर्ड, बश, आंसर इज बशेस, बी यू एस एच ई एस, बशेस. फोर्थ, ग्लास, आंसर इज ग्लासेस, जी एल ए डबल एस ई एस. फिफ्थ, क्लास, आंसर इज सी एल ए एस एस ई एस, क्लासेस. सिक्स, बॉक्स, आंसर इज बॉक्सेस, बी ओ एक्स ई एस, बॉक्सेस. सेवेंथ, चर्च, आंसर इज चर्चेस, सी एच यू आर सी एच ई एस, चर्चेस. एट, क्विज, आंसर इज क्विजेस, क्यू यू आई जेड ई एस, क्विजेस. नाइन्थ, टोमेटो, आंसर इज टोमेटोज, टी ओ एम ए टी ओ ई एस, टोमेटोज. टेंथ, वॉच, एंड द आंसर इज वॉचेस, डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस, watches. Okay, C exercise. Change the given singular nouns into their plurals by adding VES or IES. इसमें हमें singular noun को plurals में change करना है by adding VES or IES को add करके हमें change करना है. ठीक है, चलिए. फर्स्ट वन इज थीफ, एंड द आंसर इज थीव्स, टी एच
IEVES, thieves. Second, leaf. The answer is leaves. LEAVES, leaves. Third, wolf. The answer is wolves. WOLVES, wolves. Fourth, knife. Answer is knives. KNIVES, knives. Fifth, life. Answer is lives. LIVES, lives. Okay. Sixth, shelf. Answer is shelves. SHELVES, shelves. Seventh, story. And the answer is stories. STORIES, stories. Eighth, wife. Answer is wives. WIVES, wives. Ninth, baby. Answer is BABIES, babies. Tenth, fairy. Answer is FAIRIES, fairies. Okay. Next exercise, change the following singular nouns into their plurals. इसमें हमें सिंगुलर नाउंस को प्लूरल्स में चेंज करना है. ओके, ये पूरा मिक्स है जो भी अभी तक हम एक्सरसाइज करते आ रहे हैं. इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर एस लगेगा, ई एस लगेगा, आई ई एस लगेगा, वी ई एस लगेगा. ओके, चलिए. फर्स्ट, बश. बशेस, बी यू एस H E S, bushes. Second, city. Answer is cities. C I T I E S. Third, loaf. Answer is loaves. L O A V E S, loaves. Fourth, trunk. Answer is trunks. T R U N KS, trunks. Fifth, beer. Answer is BEARS, beers. Sixth, roof. Answer is roofs. ROOFS. Seventh, cart. Answer is carts. CARDS, carts. Eighth, sheep. Answer is sheep. इसमें सेम होगा, समझाया था मैंने अभी. Sheep, SHEEP, sheep. Nine, book. Answer is books, BOOKS, books. Tenth, half. Answer is halves, HALVES, halves. B exercise, take the correct plurals, write the correct plurals of the incorrect ones in the space provided. देखिए, इसमें जो सही है, सही प्लूरल है, उसके आगे आपको टिक करना है. ओके, और जो गलत है, उस ये जो स्पेस दिया हुआ है वहाँ पर आपको फिल करना है करेक्ट. ओके, टॉर्च, और प्लूरल क्या दिया हुआ है इसका, टॉर्चेस. इज इट राइट? नो, यहाँ पर आप ब्लैंक में लिखिए टॉर्चेस, टी ओ आर सी एच ई एस. ओके. Second, watch, watches,
करेक्ट बॉक्स में आप टिक करिए. थर्ड बेबी बेबीज करेक्ट बॉक्स में टिक करिए. फोर्थ मूवी प्लूरल मूवीज राइट टिक करिए. फिफ्थ बॉय प्लूरल बॉयज करेक्ट बॉक्स में टिक करिए. नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द सेंटेंस बिलो चेंज द नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल वन हैज़ बीन डन फॉर यू. देखिए इसमें ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हमें चेंज करके इसको प्लूरल करना है. सिंगुलर में सेंटेंस दिया हुआ है, चेंज करके हम प्लूरल बनाएंगे. एक दिया हुआ है एग्जाम्पल, उसको भी पढ़ते हैं. चलिए द पैरट वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. एक पैरट ट्री के ब्रांच पर बैठा था. तो इसका आंसर क्या है? द पैरट्स वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. पैरट्स ढेर सारे पैरट्स ट्रीज के ब्रांचेस पे बैठे थे. ओके सेकेंड द गर्ल हैज अ डॉल. लड़की के पास गर्ल के पास डॉल है. एंड द आंसर इज द गर्ल्स हैव डॉल्स. गर्ल्स के पास लड़कियों के पास डॉल्स हैं. ओके इसे लिखिए. थर्ड दिस इज अ बैग. ये बैग है. आंसर इज दीज आर बैग्स. ये बैग्स हैं. ओके राइट इट. फोर्थ दैट इज अ फॉक्स. वह फॉक्स है. आंसर इज दोज आर फॉक्सेस. वे फॉक्सेस हैं. ओके फिफ्थ द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. भेड़ खेत में चर रही है. ओके एंड द आंसर इज द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स. ढेर सारी भेड़ ठीक है खेतों में चर रही हैं. ओके सिक्स द थीफ रैन अवे फ्रॉम द बैंक. चोर बैंक से भाग गया. द आंसर इज द थीव्स रैन अवे फ्रॉम द बैंक्स. चोर बैंकों से भाग गया. ओके एंड द लास्ट एक्सरसाइज इज गिवन बिलो आर फ्यू वर्ड्स रीड देम केयरफुली एंड टेक द एप्रोप्रिएट ऑप्शन. ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसे हमें ध्यान से पढ़ के सही बॉक्स में टिक करना है. ओके कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है. चलिए फर्स्ट वन इज कलर्स. कलर्स क्या है? सिंगुलर और प्लूरल. प्लूरल है. टिक करिए बॉक्स में प्लूरल. प्लूरल के आगे बॉक्स है उसमें टिक करिए. सेकंड ऑक्सिन. ऑक्सिन प्लूरल है. टिक करिए प्लूरल के आगे. थर्ड बफलो. बफलो सिंगुलर. ओके सिंगुलर के आगे जो बॉक्स है उसमें टिक करिए. फोर्थ गीज प्लूरल. गीज प्लूरल है. प्लूरल के आगे वाले बॉक्स में टिक करिए. फिफ्थ डोंकी. ये सिंगुलर है. सिंगुलर के आगे वाले बॉक्स में टिक करिए. सिक्स चिल्ड्रन. चिल्ड्रन इज प्लूरल. ओके चलिए प्लूरल के आगे वाले बॉक्स में टिक करिए. सेवेंथ रेज प्लूरल.
प्लूरल के आगे वाले बॉक्स में टिक करिए. एट वुमेन इज सिंगुलर, ओके, सिंगुलर के आगे वाले बॉक्स में टिक करिए. नाइन्थ टीथ, इट इज प्लूरल, तो प्लूरल के आगे वाले बॉक्स में टिक करिए. टेंथ चेरीज, इट इज प्लूरल, प्लूरल के आगे वाले बॉक्स में टिक करिए. इलेवेंथ लाइब्रेरीज, ये प्लूरल है तो प्लूरल के आगे वाले बॉक्स में टिक करिए. ट्वेल्थ कंट्री, कंट्री सिंगुलर, ओके, तो सिंगुलर के आगे वाले बॉक्स में टिक करिए. थर्टीन फीट, प्लूरल, प्लूरल के आगे वाले बॉक्स में टिक करिए. फोर्टीन बेबीज, प्लूरल, प्लूरल के आगे वाले बॉक्स में टिक करिए. एंड द लास्ट वन इज फ्लावर, फ्लावर इज सिंगुलर, सिंगुलर के आगे वाले बॉक्स में टिक करिए. ओके स्टूडेंट, ये हमने कर लिया है. नाउ इसे ध्यान से पढ़िए, लर्न करिए. ओके, गुड डे.